इस तरह ना देखो यारा प्यार हो जाएगा, डरता हूँ मन से ज्यादा प्यार हो जाएगा, इस तरह ना देखो यारा प्यार हो जाएगा, डरता हूँ मन से ज्यादा प्यार हो जाएगा। मैंने भी थे पल्लू मैं चैनल और आज हम गाना सीखेंगे वो है प्यार हो जाएगा विच इज संग एंड कंपोज बाय विशाल मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि फर्स्ट तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। चलिए इस सॉन्ग के कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला कॉर्ड है वो है ई माइनर, ठीक है। सेकेंड कॉर्ड है ए माइनर सेवन, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ए माइनर सेवन, ठीक है। और ए माइनर भी आप लगा सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ए माइनर सेवन पकड़ने में। हालांकि सिर्फ आपको ये फिंगर उठानी पड़ेगी और ये ए माइनर सेवन हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी जगह ए माइनर भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है डी मेजर, डी मेजर, बी माइनर और लास्ट में सी मेजर, सी मेजर। तो इतने कॉर्ड्स यूज हुए, फिर से देख लेते हैं। E minor, E minor, A minor 7, A minor 7 और A minor, ठीक है। उसके बाद है D major, D major, उसके बाद B minor और लास्ट में C major, ठीक है। तो इतने कॉर्ड्स यूज हैं। तो चलिए अब रिदम की तरफ चलते हैं। मैंने इसमें रिदम यूज की, बहुत ही सिंपल से रिदम यूज की है, अगर आप चाहें और कोई और भी रिदम यूज कर सकते हैं जो भी आपको सूट लग रही हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लास्ट में डाउन अप जो है फिलर भी काम करेगा। तो इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा डाउन अप आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप, अगेन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड लास्ट में डाउन अगेन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, फिर से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है। एक और बार डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन डाउन, ठीक है। जो इस गाने की टेम्पो है वो है 80-90 बीपीएम के बीच में, ठीक है। आप ओरिजिनल सॉन्ग सुन के आप अपने टेम्पो सेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब प्रोग्रेशन की तरफ चलते हैं। जो प्रोग्रेशन है पहली दो लाइनों के लिए वो कुछ इस तरीके से है, ई माइनर, उसके बाद है बी माइनर, देन ए माइनर सेवन, ठीक है, वापस ई माइनर, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रेशन है वो दो लाइनों के लिए यूज होगी। तो ये कुछ इस तरीके से है, इस तरह ना देखो यारा प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्ड कैसे चेंज हुआ, ई माइनर रखना सबसे पहले हमें, इस तरह ना, तो ये जो लाइन इस तरह ना है वो ई माइनर पे रहेगी, फिर कॉर्ड चेंज होगा देखो यारा बी माइनर पे, तो उसके बाद ए माइनर सेवन प्यार हो जाएगा ई माइनर पे जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बचेगी। और ये ख्याल रखना कि जो रिदम आपने यूज की है उसमें एक ही रिदम में दो कॉर्ड्स चेंज हुए हैं, ठीक है, तो हाफ ऑफ रिदम का इस्तेमाल हुआ है, तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। तो या तो आप सिंगल सिंगल स्ट्रोक भी मार सकते हैं शुरुआत में ऐसे, इस तरह ना देखो यारा प्यार हो जाएगा, अदरवाइज इसकी जगह आप रिदम यूज कर सकते हैं, इस तरह ना देखो यारा प्यार हो जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट लाइन है वो भी सेम प्रोग्रेशन यूज हुई है, सिर्फ वर्ड चेंज है, ठीक है, इसमें भी डरता हूँ हद से ज्यादा प्यार हो जाएगा, डरता हूँ से ज्यादा प्यार हो जाएगा। तो आई होप इतनी प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की जो प्रोग्रेशन है वो है ई माइनर, बी माइनर, ए माइनर सेवन और ई माइनर की पहली लाइन की है, ठीक है। तो
होती है कुछ इस तरीके से, इश्क का दरिया ई माइनर, हद से बी माइनर पार हो जाएगा, वापस जाएगा ई माइनर पे, ठीक है। अब लाइन सेम रहेगी लेकिन कॉर्ड चेंज हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। इश्क का दरिया से जहां हम लास्ट में ई माइनर लगा तो वहां पे डी मेजर लगेगा। फिर से देख लेते हैं सेकंड लाइन की प्रोग्रेशन, ई माइनर बी माइनर ए माइनर सेवन और लास्ट में डी मेजर, ठीक है। सेकंड लाइन में डी मेजर लगेगा आखिर में, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब जो आगे की प्रोग्रेशन रहेगी वो है सी मेजर डी मेजर और ई माइनर, ठीक है, जिससे पहले हमने लाइन प्ले की थी। आखिर में इसमें थोड़ा सा हम भी है। अब इसके बाद तेरी निगाहों का जो वार हो जाए, तो इसमें सी मेजर डी मेजर और ई माइनर है। अब इसके बाद भी जो हम वाला पार्ट है ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ की प्रोग्रेशन है कुछ इस तरीके से, ई माइनर बी माइनर ए माइनर सेवन बी माइनर, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट लाइन भी सेम है, तो इसमें भी सेम प्रोग्रेशन हुई है, दोनों बार फिर से प्ले कर लेते हैं। अब इसके बाद हमिंग वाला पार्ट भी है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोग्रेशन है वो है ई माइनर B माइनर A माइनर सेवन और E माइनर, ठीक है। तो E माइनर B माइनर A माइनर सेवन और E माइनर, ठीक है। अब सेकेंड टाइम में कॉर्ड चेंज होंगे, सेम लाइन रहेगी। बस लास्ट में बी माइनर की जगह हमने ई माइनर की जगह हमने डी मेजर लगाया हुआ, ठीक है। इससे पहले वाली लाइन में हमने ई माइनर लगाया था लास्ट में। ठीक है, अब इसमें लास्ट में ई माइनर की जगह हमने डी माइनर सॉरी डी मेजर यूज किया है। उसके बाद ये लाइन रिपीट होने लगेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मुझे सर्च भी कर सकते हैं बैंक ऑफ प्राइस के नाम से। बाय बाय।